अच्छा है, कौन से शेयर बन सकते हैं यहां से वीआईपी, ये बताएंगे अब आपको। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरशकर। अविनाश जी बहुत शुक्रिया आपका, आईटी नौ सौ देश पर बहुत स्वागत है। बाजार देखिए आज फिर से आज जश्न के मूड में है, 300 अंक ऊपर है निफ्टी, सेंसेक्स में 1000 अंकों के आसपास की तेजी है, और फिर से जो रिटेल निवेशक थोड़े से निराश थे बाजार की सुस्ती में, शायद वापस लौटे के, बताइए कौन सा शेयर आपको लग रहा है यहाँ से वीआईपी साबित होगा? अभिषेक, जो शेयर हमको इस बाजार में पसंद है वो बेसिकली एक कैश मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है सीएमएस इंफोटेक। ये पिछले साल कंपनी ने आईपीओ किया था और कंपनी ने बहुत दमदार नंबर्स FY22 के लिए रिकॉर्ड किए। इनका कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है, करीबन 15,000 पिन कोड्स में इनका प्रेजेंस है और ये ज्यादातर B2B बिजनेस करती है, कॉरपोरेट से इनफैक्ट बैंकों से इनका ज्यादा लेन देन होता है और हम समझते हैं कि आने वाले साल के लिए भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इस साल इन्होंने करीबन 1400 करोड़ का रेवेन्यू और उसके ऊपर 210 करोड़ का प्रॉफिट किया है जो पिछले साल 168 करोड़ था। कंपनी का जो बिजनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि कितना मनी इन सर्कुलेशन होता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफी वेल पोजिशनड है, काफी टेक्नोलॉजी का यूज भी कंपनी करती है और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कॉमेंट्री पोस्ट Q4 नंबर्स के बाद की, हमको लग रहा है कि इस साल जो 15 रुपए की अर्निंग आई है वो करीबन 23 के लिए 18 से 19 रुपया होगी और उसके बाद 24 में करीबन 20-21 रुपए की आएगी। तो इस स्टॉक में डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। हमको लग रहा है कि करीबन 325-330 का टारगेट अगर आप 12 से 15 महीने का व्यू ले तो ये स्टॉक डेफिनेटली वेल पोजिशन है अच्छी रिस्क रिवॉर्ड देने के लिए। तो ये मेरी तरफ से वीआईपी शेयर है जो निवेशकों को ऐसे बाजार में खरीदना चाहिए जहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न पॉसिबल लग रहे हैं। ठीक है, तो सीएमएस इन्फो सिस्टम 12 महीने में 330 रुपए के लक्ष्य, यानी कि अगर आप मौजूदा स्तर से अगर आप तुलना करेंगे तो ऑलमोस्ट 37-38% के आसपास के रिटर्न आपको इस शेयर में मिल जाएंगे और ये शेयर बनेगा वीआईपी। वैसे 17-18% का भी अगर आप रिटर्न स्टॉक मार्केट में पाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन ये उससे न सिर्फ डबल से भी ज़्यादा के रिटर्न के पोटेंशियल रखता है ये शेयर, तो वीआईपी शेयर बना है या सीएमएस इन्फो सिस्टम। अविनाश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन वीआईपी शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए अब ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए खास लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन। तो मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए कॉन्सेप्ट एडवाइजरी की टीना गाडोडिया हमारे साथ हैं। टीना बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बताइए आज क्या है मुनाफे का ऑप्शन आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून। तो आज का हमारा रहेगा मुनाफे का ऑप्शन वो रहेगा वोल्टास पे। सो वोल्टास में हमने देखा कि एक काफी हैवी सेलिंग आई भी है और लास्ट 3-4 दिन में ये स्टॉक स्टेबलाइज होते हुए उसमें एक कवरिंग दिखाई दे रहा है। शॉर्ट जो है अभी वो कूल डाउन हो रहे हैं और अब इधर से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। सो मैं वोल्टास का 1000 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगी। अभी चल रहा है करीब वो 10.25 रुपया और इधर से टारगेट उसका बन सकता है 25-30 रुपए का। स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 4 रुपए का। तो अंडरलाइन के हिसाब से वोल्टास 1030 तक जा सकता है ये शॉर्ट कवरिंग मूव में। ठीक है, काफी करेक्ट हुआ था, 1356 रुपए से गिरता शेयर ये 1000 रुपए के नीचे आ गया था, लेकिन अब शॉर्ट कवरिंग रैली से शेयर को सपोर्ट मिलेगा और इसमें तेजी दिखेगी। 1000 वाली आपको कॉल खरीदनी है 11 से 12 रुपए के भाव पर, टारगेट 30 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 4 रुपए का। वोल्टास में दिखेगी तेजी, तो ठंडक वाला शेयर लेकिन इसमें गर्मी बढ़ने वाली है। अब टीना बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए।